हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ जब जब फूल खिले, जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा। गाइस, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब जब फूल खिले इज़ ए 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा। द स्टोरी इज ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट। द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस वाज नंबर 2 ए टॉप 10 ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिस इंडिया फॉर 1965। द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म। लाइसेंस बाय आनंद बख्शी। द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर 2 days फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वाज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज। शशि कपूर वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा मार्को एंड लिबिया। इन ए शो बाय मकरेश एवन डे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी। डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश, रिटन बाय ब्रिज काटियाल, प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के, स्टारिंग शशि कपूर नंदा आघा, सिनेमेटोग्राफी तारोदत्त, एडिटिंग बाय संतिला जोशी और सूरज प्रकाश, म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा। रिलीज डेट दिसंबर 1965। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बॉक्स ऑफिस 5.5 crore एंड 312 crore ऑफ USA 14 million इन 2020। रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर। चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे अलोंग विद हिज मेड शीतला सतेला। दे सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा। राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स अलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी। After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore, but Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion, but Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her, but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearances and habit, and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be with watching Raja dancing with others men. A lead to a quarrel between them. The Raja leaves a house saying that she could adjust to her culture. Rita feels bad that Raja left just because of a manner. 5 times she oversees her father saying that he planned overthink and separate him, that he knows way before that Raja could not tolerate her, and Rita dancing with other men. Rita understand them unsecretly and found out then Raja and decided to make a Kashmir with Sim, and she goes to a railway station that request Raja to take her with him. The movies end with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily.
शशि कपूर इज राजा, राजकुमार नंदा एज रीता नंदा, खन्ना कमल कपूर इज राजा बहादुर एंड चुन्नी लाल खन्ना एंड शामी एज शीत एंड सतीला, मरीदुला एंड मिसिस खन्ना, रीता मदर बेबी एंड बेबी, फरीदा एज मुन्नी, जतिन खन्ना एज किशोर, टुनटुन एज मारी, आगा एज अमरनाथ, भल्ला एज दर्जुन दर्जुन, प्रज्ञा राज, श्याम एज श्याम कुमार जावेद। ऑल लाइसेंस आर रिटन बाय आनंद बख्शी। ऑल म्यूजिक इज कंपोजिड बाय कल्याण जी आनंद जी। अफजो खुदाया मोहम्मद रफ़ी रफ़जी। एक था गुल और एक थी बुलबुल, मोहम्मद एंड रफ़ी नंदा। मैं तो चली हिंदुस्तान से, लता मंगेशकर। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, लता मंगेशकर। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना हैप्पी, मोहम्मद रफ़ी। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना सैड, मोहम्मद रफ़ी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मोहम्मद रफ़ी। ये शमा सुहानी है प्यार का, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजेश सुब्रमण्यम। इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज। आ संग ऑफ रिफिनेशन अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डैट नंदा वाज हिज फेवराइट हीरोइंस एज द है सिग्नेटेड डैट हिम डैट ही वाज द बिगेस्ट स्टार एंड डायरेक्टर सूरज प्रकाश। राइटर ब्रिज कटियान स्टार शशि कपूर एंड म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी। एटियोमेटेड अप अगेन फॉर अनोदर्स फिल्म स्वीट हार्ट 1970 को स्टारिंग आशा पारिक। इट वॉज नेवर रिलीज एवन दो आशा हैड सी डैट इट वॉज वेरी स्वीट फिल्म। द रोल ऑफ नंदा स्वेटर वॉज प्लेड बाय जतिन खन्ना। एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस। ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वॉज ट्रिनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रोड्यूस्ड इन क्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर JPCP। हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट। इट वॉन्ट ऑन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम। इट वॉज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉन्ट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल। समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन। सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बैलोंजी टू इट इज हैड नेवर बी हाइड एंड सैप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटेटेड टिल नाउ इट इज थनेटेड आउट एट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स। दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस आर वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन ओल्ड श्रीनगर ए एल्यूटमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम्स स्मिथिन विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर। डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मेड ए बिट। प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक एंड हावेवर प्रोविड टू बी ए राइट वुड प्रेजेंट द अदर ए शूट स्टचिड एट द ब्रिंगलोन। प्रकाश वुड द बेट एंड प्रिस्टामेंटेड द सूट इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज। लास्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म द क्लाइमैक्स वेहर राज पुल्स रीता इन टू द ट्रेन वॉज सूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेनेटरी इंस्टॉलेक्शंस ऑन हाउ टू वेन टू पुल नंदा इन टू द ट्रेन। कपूर फॉलोविड दोज डायरेक्शंस सो वेल डैट दे वर ओनली ए फ्यू फेल्ट लेफ्ट टू द प्लेटफॉर्म एंड वैन ही पोल्यूटेड हर इन ए प्रकाश क्लाइमैक्स द इंस्टमेटली वॉ सो हेयर एडिजनिंग डैट हैज सूट हिज आईज कन्वर्मेटेड डैट नंदा
एंड हैड कोम द ओरिजिनल क्लाइमेक्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट हैड राजा बीटिंग अप इट इज द बैड गाइज हाउएवर सूरज प्रकाश रिजेक्ट इट इज आफ्टर ए आफ्टरनून वॉच लव इन द आफ्टरनून 1957 इन सेटलेटेड विद रीता ट्रेवलिंग एवरीथिंग बिहाइंड टू कम बैक ऑफ कश्मीर इन राजा द प्रिपेयर ऑफ हिज रोल इन राजा शशि कपूर वुड स्पेनिटी डीड वी से बोटमैन ए कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल एंड ही कोन द रिप्लमेशंस एंड हिज को स्टारे शशि कपूर वेरी ब्रिलियंट एंड दिस सोनोस एक्सेप्टली मिट्टी हिस ब्रोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 4 December वॉज एन इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ए बेस्ट नाउन फॉर हिज वीक इन हिंदी फिल्म ए रेसिपेंट इन द सर्वर एक्विलिटी इंक्लूज फोर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड टू फिल्म फेयर अवार्ड ही आल्सो फीचर्स इन ए नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल फिल्म पर्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूस ए मर्चेंट लोरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्स विद हिम द पद्म भूषण इन 2011 एंड द दादा साहेब पालेकर अवार्ड इन 2014 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिनेमा हिज बोर्न बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1988 कोलकाता बेंगोल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया हिज डेथ 4 December 2017 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया ऑक्यूपेशन सेक्टर प्रोड्यूसर वियर एक्ट 1941 and 1999 जेनिफर कपूर मैरिड 1958 एंड डेड 1984 चिल्ड्रंस कुणाल किरण एंड संजना पेरेंट्स पृथ्वीराज कपूर फादर एंड फैमिलीज कपूर एंड फैमिली होनर्स पद्म भूषण 2011 एंड दादा साहेब पालेकर एंड ब्रोन इंटू द कपूर फैमिली कपूर वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट सोन ऑफ पृथ्वीराज कपूर ही बिगन हिज कैरियर एज ए चिल्ड एक्टर इन द ब्रदर्स राज कपूर डायरेक्शंस आग 1948 एंड हैड इज द फर्स्ट रोल इज एंड द एडल्ट इन राज चोपड़ा पॉलिटिशियंस ड्रामा धर्मपुत्र 1961 कपूर वाज मैरिड टू इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल फ्रॉम 1958 टिल हर डेथ इन 1984 एंड हैड थ्री चिल्ड्रंस कुणाल कपूर किरण कपूर एंड संजना कपूर ही डेट एज ऑफ 79 ड्यू टू एस्केपनेशंस प्लीमोनिया शशि कपूर वाज बोर्न ए बलबीर राज कपूर ए पृथ्वीराज कपूर एंड हिज वाइफ एंड कोलकाता ब्रिटिश इंडिया ऑफ 18 मार्च 1938 ही वाज ए यंगेस्ट ब्रदर ऑफ राज कपूर एंड शम्मी कपूर कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विद बेबी माधुरी मीना कुमारी सिस्टर चैंटेन बेबी शकुंतला राइट एंड फिल्म बचपन कपूर एज ए पेंटिंग इन प्ले डायरेक्टेड वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर पृथ्वीराज कपूर वाहे ट्रेवलिंग विद पृथ्वीराज पृथ्वी थिएटर्स ही स्टारेड एक्ट इन हिज फिल्म इन द डेब्यूटेड 4 स्टारेड एक्ट इन फिल्म एज ए चिल्ड इन द लेट 1940 अंडर द नेम ऑफ शशि राज एज दियर वेज ऑलरेडी अनोदर एक्ट्रेस बाय द सेम नेम हु यूज इट फॉर एक्ट इज द मैंथोलॉजिकल फिल्म एज ए चिल्ड आर्टिस्ट हिज बेस्ट नाउन परफॉर्मेंस एज ए चिल्ड एक्ट्रेस वियर इन आग एंड अवारा वेयर ही प्लेड द यंगस्ट वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेड बाय द ओल्डर ब्रदर राज कपूर एंड इज संगम वेयर ही प्लेड द यंगर वेरिएशंस ऑफ अशोक कुमार एंड दाना पानी वेयर ही एक्टेड बाय द भारत भूषण वॉकनेट द 4 हिंदी फिल्म एज ए चिल आर्टिस्ट फ्रॉम 1948 एंड 1954 कपूर गोटे अपोलोमेंटली एंड टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द फिल्म पोस्ट बॉक्स 1999 एज डिब्यूट फिल्म द सुनील दत्त वर्कड एज ए असिस्टेंट डायरेक्शंस ऑफ देवेंद्र देव द गेस्ट हाउस विच वॉज फॉलोविड बाय मूवीज सच एंड दुल्हा दुल्हन एंड श्रीमान सत्यवादी वीर राज कपूर वाज ए लीड हीरोज
शशि कपूर मेड ए डिब्यू एज ए लीडिंग मैन इन द 1961 वान धर्मपुत्र एंड ही वान टोन टू द अपियर इन 1116 हिंदी फिल्म डिमोनिटी इन आर वेरी वर्क पेशेंस वेरी डिप्लोमेटेड एंड सेवन फिल्म ही वॉज द वेरी पॉपुलर एक्टर इज ए बॉलीवुड ड्यूरिंग ए 16 एज 17 एज इन द यूनियन टिल द मिड 18 एज कपूर ईयरली फिल्म धर्मपुत्र प्रेम पत्रा द एंड चार दीवारी वेर ए हिंदी विच इज वॉज सक्सेसफुल कमर्शियली सिंस 1964 टेस्ट ऑन 18 एक्टिंग इज अ इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म विच इज इंक्लूड द हाउस होल्डर द साक्षी स्पीयर वल्ला ही वॉज नोट द फाइंड फर्स्ट एक्टर एंड गो द इंटरनेशनल सेक्टर नंदा एंड हु वॉज एज टमिल स्टार एट इज द टाइम सिग्नेटेड 8 इन द फिल्म विद कपूर एज सी बिलीवर डेट ही कुड डिलीवर्स गुड परफॉर्मेंस इज देयर फर्स्ट टू फिल्म एज ए पेयर वेर इज द क्रिटिकली एक्लिमेटेड रोमांटिक फिल्म चार दीवारी एंड मेहंदी लगी मेरे हाथ इन 1960 कपूर एक्टेड इन सर्वल रोमांटिक फिल्म अपोजिट नंदा इनक्लूज मोहब्बत इसको कहते हैं 1965 जब जब फूल खिले एंड नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे राजा साहब एंड रूठा ना करो इन ए इंटरव्यूज इन द 1990 कपूर डिक्लेयर्ड ए हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ जब जब फूल खिले जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा। गाइस सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब जब फूल खिले इज ए 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा। द स्टोरी इज ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट। द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस वाज नंबर 2 ए टॉप 10 ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिस इंडिया फॉर 1965। द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म लाइसेंस बाय आनंद बख्शी। द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हाल सेवर 2 days फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वॉज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज ए शशि कपूर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ एलगीरा मार्को एंड लिबिया। इन ए शो बाय मकरेश एवनडे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी। डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश रिटन बाय ब्रिज काटियाल प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के स्टारिंग शशि कपूर नंदा आघा। सिनेमेटोग्राफी तारुदत्त एडिटिंग बाय संतिला जोशी सूरज प्रकाश म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा। रिलीज डेट दिसंबर 1965 कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बॉक्स ऑफिस 5.5 crore एंड 312 crore ऑफ USA 14 million इन 2020। रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर। चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे एलोंग विद हिज मेड शीतला सतीला। दे सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा। राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स एलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी। After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion, but Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad.
राजा बहादुर डज नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू मैरी राजा एंड ट्राइज टू रीजन विद हर बट फॉल्स एट लॉस्ट इन टेल्स हिज डॉटर डैट राजा वॉज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटली डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कैन नॉट एडजस्ट टू देयर वे एंड रीता आस्क राजा टू चेंज हिज अपरेंसेस एंड हैबिट एंड राजा एग्रीज आफ्टर ए मेकओवर राजा बहादुर थ्रोज ए पार्टी ऑफ इंट्रोड्यूस राजा टू एवरी वन दे राजा कैन नॉट बी विद वॉचिंग राजा डांसिंग विद अदर्स मैन ए लीड टू ए क्वेरल बिटवीन दैम दे राजा लिवस ए हाउस सेइंग दैट सी कुड एडजस्ट टू हर कल्चर रीता फील्स बैड डैट राजा लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ए मैनर फाइव टाइम्स सी ओवरसीज हर फादर सेइंग दैट ही प्लॉटेड ओवरथिंग एंड सेपरेट हिम डैट ही नाउंस वे बिफोर डैट राजा कुड नॉट टॉलरेटेड एंड रीता डांसिंग विद अदर मैन रीता अंडरस्टैंड डैम सी अनसेक्रेटली एंड फोट आउट देन राजा and decided to make a Kashmir with Simha and she goes to a railway station that request Raja to take her with him the movies and with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur and Chunni Lal Khanna and Shami as Sheet एंड सतीला मरीदुला एंड मिसिस खन्ना रीता मदर बेबी एंड बेबी फरीदा एज मुन्नी जतिन खन्ना एज किशोर टुनटुन एज मारी अगा एज अमरनाथ भल्ला एज दर्जुन दर्जुन प्रज्ञा राज श्याम एज श्याम कुमार जावेद ऑल लाइसेंस आर रिटन बाय आनंद बख्शी ऑल म्यूजिक इज कंपोजिट बाय कल्याण जी आनंद जी अफजो खुदाया मोहम्मद रफ़ी रफ जी एक था गुल और एक थी बुलबुल मोहम्मद एंड रफ़ी नंदा मैं तो चली हिंदुस्तान से लता मंगेशकर नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना लता मंगेशकर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना हैप्पी मोहम्मद रफ़ी परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना सैड मोहम्मद रफ़ी यहाँ मैं अजनबी हूँ मोहम्मद रफ़ी ये शमा सुहानी है प्यार का लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजी सुब्रमण्यन इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज आ संग ऑफ रिफिनेशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डैट नंदा वाज हिज favorite heroines as the has signified that him that he was the biggest star and director Suraj Prakash writer Briz Kattiyon star Shashi Kapoor and music composer Kalyan ji Anand ji and teamed up again for another film Sweetheart 1970 co-starring Asha Parikh it was never released even though Asha had said that it was very sweet film द रोल ऑफ नंदा स्वेटर वाज प्लेड बाय जतिन खन्ना एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वाज टोनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रीडिश्यूड इनक्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर JPCP हाउएवर डायरेक्टर Suraj Prakash felt it was the beautiful story and accepted it. It went on to become his greatest hit. It was his first colors film to prepare for his role. And as Raja Shashi Kapoor would spend days with the both men in Kashmir to study their lifestyle. Sometimes the would have and means with them at the फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बेलोंजी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सैप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटिटी टिल नाउ इट इज थनेटेड आउट एट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस और वेरी बिग While two locations on Srinagar, a ultimate
कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बीकम स्मृति विद नंदा एनास्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोफेशनल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मे डेबिट प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक एंड हावेवर प्रोविड टू बी ए राइट वुड प्रेजेंट द अदर ए शूट स्टेच्ड एट द ब्रिंगलोन प्रकाश वो द बेट एंड प्रिस्टामेंटेड द सूट इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज लास्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म द क्लाइमैक्स विहर रात पुल्स रीता इन टू द ट्रेन वाज शूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू वेन टू पुल नंदा इन टू द ट्रेन कपूर फॉलोविड दोज डायरेक्शंस सो वेल डैट दे वर ओनली ए फ्यू felt left to the platform and when he supplanted her in a prakash climax the ultimately was so here addressing that has suit his eyes confirmed that nanda's and had come the original climax from the script had raja beating up it is the bad guys however suraj prakash rejected it is after a afternoon watching love in the afternoon 1957 in satellited with Rita traveling everything behind to come back of Kashmir in Raja the prepare of his role in Raja Shashi Kapoor would spend a deed with a boatman in Kashmir to study their lifestyle and he con the reclamations and his co-star Shashi Kapoor very brilliant and this one was exactly meet his brown Balbir Raj Kapoor 18 March 1938 4 December was an Indian actor and film producer who is a best known for his work in Hindi film A recipient in the Sarvar accolade includes 4 National Film Award and 2 Filmfare Award he also features in a number of English language international film Particularly film produced a merchant glory the government of India honors with him the Padma Bhushan in 2011 and the Dada Saheb Palekar Award in 2014 of the contributions of Indian cinema. His born Balbir Raj Kapoor 18 March 1988 Kolkata Bengal Presidency British India Kolkata West Bengal India His death 4 December 2017 79 Mumbai Maharashtra India Occupation Sector Producer Wear Act 1941 and 1999 His spouse Jennifer Kapoor married 1958 and dead 1984 Children Kunal Kiran and Sanjana Parents Prithvi Raj Kapoor father and families Kapoor and family honors Padma Bhushan 2011 and Dada Saheb Palekar and grown into the Kapoor family Kapoor was the third and youngest son of Prithvi Raj Kapoor he began his career as a child actor in the Brothers Raj Kapoor directions Aag 1948 and had is the first role is and the adult in Raj Chopra politicians drama Dharmputra 1961 Kapoor was married to English actress Jennifer Kendall from 1958 till her death in 1984 and had 3 children Kunal Kapoor Kiran Kapoor and Sanjana Kapoor he died at the age of 79 due to escapnicious pneumonia Shashi Kapoor was born a Balbir Raj Kapoor A Prithvi Raj Kapoor and his wife and Kolkata British India of 18 March 1938 he was the youngest brother of Raj Kapoor and Shammi Kapoor Kapoor as a child artist with baby Madhuri Meena Kumari sister chanting baby Shakuntra right and film Bachpan Kapoor recipient in play
directed was produced by his father Prithviraj Kapoor. While traveling with Prithviraj Prithvi Theaters, he started acting his film in the debuted four started acting in film as a child in the late 1940 under the name of Shashi Raj, as there was already another actress by the same name who used it for acting. The mythological film as a child artist, his best known performance as a child actress were in Aag and Awara, where he played the youngest versions of the characters played by the older brother Raj Kapoor, and in Sangam, where he played the younger versions of Ashok Kumar and Dana Pani, where he acted by the Bharat Bhushan. Worked in the four Hindi film as a child artist from 1948 and 1954. Kapoor got a appointment and to work as an assistant director in the film Post Box 1999 as debut film. The Sunil Dutta worked as the assistant directions of Devendra Dev. The guest house, which was followed by movies such as Dulla Dulhan and Shriman Satyavadi, where Raj Kapoor was the lead heroes. Shashi Kapoor made a debut as the leading man in the 1961 Vaad Dharmputra, and he went on to the appear in 116 Hindi film debutee in R. Very Workations, Very Diplomated, and 7 film. He was the very popular actor in Bollywood during a 16 and 70 as in the unit till the mid 18 as Kapoor early film Dharmputra, Prem Patra, the and Char Diwari, where Hindi which was successful commercially since 1964. He started acting in English language film which is include The Householder, the Sakshi Spear Valla. He was not the find first actor and go the international sector Nanda, and who was established star at is the time signed 8 in the film with Kapoor, as he believed that he could deliver good performances. Their first two film as a pair were the critically acclimated romantic film Char Diwari and Mehndi Lagi Mere Haath. In 1960, Kapoor acted in several romantic films opposite Nanda, includes Mohabbat, Isko Kehte Hain 1965, Jab Jab Phool Khile, and Neend Hamari, Khwab Tumhare Raja Sahab, and Rootha Na Karo. In a interviews in the 1990, Kapoor declared a... Hello guys, swagat hai aapka mere is YouTube channel pe. Aaj main aapke liye picture leke aayi hoon Jab Jab Phool Khile, जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा. गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जब जब फूल खिले इज़ 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म. इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा. द स्टोरी इज़ ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट. द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिसेस. वाज नंबर टू ए टॉप टेन ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिसेस इंडिया फॉर 1965. द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा, एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म. लाइसेंस बाय आनंद बख्शी. द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर टू डेज फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वॉज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज. शशि कपूर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा, मार्को एंड लिबिया. इन ए शो बाय मकरेश एवन डे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी. वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी. डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश, रिटन बाय ब्रिज काटियाल, प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के, स्टारिंग शशि कपूर, नंदा आघा. सिनेमेटोग्राफी तारू दत्त, एडिटिंग बाय संतिला जोशी, सूरज प्रकाश, म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा. रिलीज डेट December 1965, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बॉक्स ऑफिस 5
1.5 करोड़ एंड 312 करोड़ ऑफ यूएसए 14 मिलियंस इन 2020। रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर। चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे एलोंग विद हिज मेड शीतला सतेला। देयर सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा। राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स एलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी। After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion. But Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her, but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearances and habit, and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be with watching Raja dancing with others men. A lead to a quarrel between them. The Raja leaves a house saying that she could adjust to her culture. Rita feels bad that Raja left just because of a minor fight, and she oversees her father saying that he planned overthink and separate him, that he knows way before that Raja could not tolerate her and Rita dancing with other men. Rita understands them, she unsecretly and found out then Raja and decided to make a Kashmir with Simha, and she goes to a railway station that requests Raja to take her with him. The movies end with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita, Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur, Chunni Lal Khanna and Shami as Sheet, as Satila, Maridula and Mrs. Khanna, Rita mother baby and baby Farida as Munni, Jatin Khanna as Kishore, Tuntun as Mari, Aga as Amarnath, Bhalla as Darzun, Pragya Raj, Shyam and Shyam Kumar Javed. All lines are written by Anand Bakshi. All music is composed by Kalyanji Anand Ji. Afjo Kudaya Muhammad Rafi Rafji. Ek Tha Gul aur Ek Thi Bulbul Muhammad and Rafi Nanda. Main to chali Hindustan se Lata Mangeshkar. Nana karte pyar tum hi se kar baithe Muhammad Rafi and Suman Kalyanpur. Pardesiyon se na akhiya milana Lata Mangeshkar. Pardesiyon se na akhiya milana happy Muhammad Rafi. Pardesiyon se na akhiya milana sad Muhammad Rafi. Yahan main ajnabi hu Muhammad Rafi. Ye shama suhani hai pyar ka Lata Mangeshkar Muhammad Rafi. And Tivia, according to film the music expert Rajesh Subramanian, it was writer actor Pragya Raj, a song of refination Afzo Khuda in the song. And Shashi Kapoor always said that Nanda was his favorite heroines, as the has signified that him that he was the biggest star. And director Suraj Prakash, writer Brij Ghatyan, star Shashi Kapoor and music composer Kalyanji Anand Ji attempted up again for another film Sweetheart 1970 co-starring Asha Parikh. It was never released even though Asha had said that it was very sweet film.
द रोल ऑफ नंदा स्वेटर वॉज प्लेड बाय जतिन खन्ना. एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस. ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वॉज टोनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रोड्यूस्ड इनक्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर जेपीसीपी. हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट. इट वन टोन द बिकम्स इज ग्रेटेस्ट हिम. इट वॉज इज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल. समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन. सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलिजेंस एंड राज बेलोंजी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सिंप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटिटी टिल नाउ. इट इज टर्नेटेड आउट डेट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स. दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस आर वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन और श्रीनगर ए लिट्यूमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम्स स्मृति विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर. नथिंग केम ऑफ द हावेवर. डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मेड ए बिट. प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक एंड हावेवर प्रोविड टू बी ए राइट वुड प्रेजेंट द अदर ए शूट स्टचिड एट द ब्रिंगलोन. प्रकाश वो द बेट एंड प्रिस्टामेंटेड द सूट इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज. लास्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म. द क्लाइमैक्स वेहर राज पुल्स रीता इन टू द ट्रेन वॉज शूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन. सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू वेंट टू पुल नंदा इन टू द ट्रेन. कपूर फॉलोविड दोज डायरेक्शंस सो वेल डैट दे वर ओनली ए फ्यू फेल्ट लेफ्ट टू द प्लेटफॉर्म एंड वैन ही इज द पोल्यूटेड हर इन ए प्रकाश क्लाइमैक्स द इंस्टमेटली वॉज सो हेयर एडिजनिंग डैट है सूट हिज आईज कन्वेमेटी डैट नंदा एंड हैड कोम. द ओरिजिनल क्लाइमैक्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट हैड राजा बीटिंग अप इट इज द बैड गाइज. हाउएवर सूरज प्रकाश रिजेक्टेड इट इज आफ्टर ए आफ्टरनून वॉचिंग लव इन द आफ्टरनून 1957 इन सैटेलाइटेड विद रीता ट्रेवलिंग एवरीथिंग बिहाइंड टू कम बैक ऑफ कश्मीर इन राजा. द प्रिपेयर ऑफ हिज रोल इन राजा शशि कपूर वुड स्पेनिटी डीड वी से बोटमैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल एंड ही कोन द रिप्लमेशंस एंड हिज को स्टारे शशि कपूर वेरी ब्रिलियंट एंड दिस ओनोज एक्सेप्लिमिटी हिस ब्रोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 4 दिसंबर वॉज एन इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ए बेस्ट नाउन फॉर हिज वीक इन हिंदी फिल्म. ए रेसिपेंट इन द सर्वर एक्विलिटी इंक्लूज फोर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड टू फिल्म फेयर अवार्ड. ही आल्सो फीचर्स इन ए नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल फिल्म पर्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूस्ड ए मर्चेंट लोरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्स विद हिम द पद्म भूषण इन 2011 एंड द दादा साहेब पालेकर अवार्ड इन 2014 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिनेमा. हिज बोर्न बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1988 कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया. हिज डेट 4 दिसंबर 2017 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया. ऑक्यूपेशन सेक्टर प्रोड्यूसर वियर एक्ट 1941 एंड 1999. जेनिफर कपूर मैरिड 1958 एंड डेड 1984. चिल्ड्रंस कुणाल किरण एंड संजना. पेरेंट्स पृथ्वीराज कपूर. फादर एंड फैमिलीज कपूर एंड फैमिली होनर्स
पद्मभूषण्स 2011 एंड दादा साहेब पालेकर एंड ब्रोन इंटू द कपूर फैमिली कपूर वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट सोनो पृथ्वीराज कपूर ही बिगन हिज कैरियर एज ए चिल्ड एक्टर इन द ब्रदर्स राज कपूर डायरेक्शंस आग 1948 एंड हैड इज द फर्स्ट रोल इज एन द एडल्ट इन राज चोपड़ा पॉलिटिशियंस ड्रामा धर्मपुत्र 1961 कपूर वॉज मैरिड टू इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल फ्रॉम 1958 टिल हर डेथ इन 1984 एंड हैड थ्री चिल्ड्रंस कुणाल कपूर किरण कपूर एंड संजना कपूर ही डेड एट एज ऑफ 79 ड्यू टू एस्केपनेशंस प्लीमोनिया शशि कपूर वॉज बोर्न ए बलबीर राज कपूर ए पृथ्वीराज कपूर एंड हिज वाइफ एंड कोलकाता ब्रिटिश इंडिया ऑफ 18 मार्च 1938 ही वॉज ए यंगेस्ट ब्रदर ऑफ राज कपूर एंड शम्मी कपूर कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विद बेबी माधुरी मीना कुमारी सिस्टर चैंटेन बेबी शकुंतला राइट एंड फिल्म बचपन कपूर एज ए पेंटी इन प्ले डायरेक्टेड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर पृथ्वीराज कपूर वाहे ट्रेवलिंग विद पृथ्वीराज पृथ्वी थिएटर्स ही स्टारेड एक्टेड इन फिल्म इन द डेब्यूटेड फोर स्टारेड एक्टेड इन फिल्म एज ए चिल्ड इन द लेट 1940 अंडर द नेम ऑफ शशि राज एज दियर वेज ऑलरेडी अनोदर एक्ट्रेस बाय द सेम नेम हु यूज इट फॉर एक्ट इज द मैंथोलॉजिकल फिल्म एज ए चिल्ड आर्टिस्ट हिज बेस्ट नाउन परफॉर्मेंस एज ए चिल्ड एक्टर्स वेयर इन आग एंड अवारा वेयर ही प्लेड द यंगर्स वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेड बाय द ओल्डर ब्रदर राज कपूर एंड इज संगम वेयर ही प्लेड द यंगर वेरिएशंस ऑफ अशोक कुमार एंड दानापानी वेयर ही एक्टेड बाय द भारत भूषण वॉकनीड द फोर हिंदी फिल्म एज ए चिल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम 1948 एंड 1954 कपूर गोटे अपोलो मेंटली एंड टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द फिल्म पोस्ट बॉक्स 1999 एज डिब्यूट फिल्म द सुनील दत्त वर्कड एज ए असिस्टेंट डायरेक्शंस ऑफ देवेंद्र देव द गेस्ट हाउस विच वॉज फॉलोविड बाय मूवीज सच एंड दुल्हा दुल्हन एंड श्रीमान सत्यवादी वीर राज कपूर वॉज ए लीड हीरोज शशि कपूर मेड ए डिब्यूट एज ए लीडिंग मैन इन द 1961 वाद धर्मपुत्र एंड ही वॉन टोन टू द अपियर इन 116 हिंदी फिल्म डिमोनिटी इन आर वेरी वर्क पेशेंस वेरी डिप्लोमेटेड एंड 7 फिल्म ही वॉज द वेरी पॉपुलर एक्टर एज ए बॉलीवुड ड्यूरिंग ए 16 एंड 17 एज इन द यूनियन टिल द मिड 18 एज कपूर ईयरली फिल्म धर्मपुत्र प्रेम पत्रा द एंड चार दीवारी वेर ए हिंदी विच वॉज सक्सेसफुल कॉमर्शियली सिंस 1964 एक्टिंग इज अ इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म विच इज इंक्लूड द हाउस होल्डर द साक्षी स्पीयर वल्ला ही वॉज नोट द फाइंड फर्स्ट एक्टर एंड गो द इंटरनेशनल एक्टर नंदा एंड हु वॉज इन स्टाबेली सिद्ध स्टार एट इज द टाइम सिग्नेटेड 8 इन द फिल्म विद कपूर एज सी बिलीवर डेट ही कुड डिलीवर्स गुड परफॉर्मेंस इज देयर फर्स्ट टू फिल्म एज ए पेयर वेर इज द क्रिटिकली एक्लिमेटेड रोमांटिक फिल्म चार दीवारी एंड मेहंदी लगी मेरे हाथ इन 1960 कपूर एक्टेड इन सर्वल रोमांटिक फिल्म अपोजिट नंदा इनक्लूज मोहब्बत इसको कहते हैं 1965 जब जब फूल खिले एंड नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे राजा साहब एंड रूठा ना करो इन ए इंटरव्यूज इन द 1990 कपूर डिक्लेयर्ड ए हेलो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ जब जब फूल खिले जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा गाइस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जब जब फूल खिले इज़ ए 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा द स्टोरी इज ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट द फिल्म बिकम इज ए
ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिसेज वाज नंबर 2 ए टॉप 10 ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिसेज इंडिया फॉर 1965. द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म लाइसिस बाय आनंद बख्शी. द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर टू डेज फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वाज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज. शशि कपूर वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा मार्को एंड लिबिया. इन ए शो बाय मकरेश एवन डे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी. डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश रिटन बाय ब्रिज काटियाल प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के स्टारिंग शशि कपूर नंदा आघा सिनेमेटोग्राफी तारुदत्त एडिटिंग बाय संतिला जोशी सूरज प्रकाश म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा. रिलीज डेट दिसंबर 1965 कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बॉक्स ऑफिस 5.5 crore एंड 312 crore ऑफ यूएसए 14 million इन 2020. रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर. चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे अलोंग विद हिज मेड शीतला सतेला. दे सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा. राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स अलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी. After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion. But Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearances and habit and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be with watching Raja dancing with others men. A lead to a quarrel between them. The Raja leaves a house saying that she could adjust to her culture. Rita feels bad that Raja left just because of a minor fight. Time she oversees her father saying that he planned overthink and separate him that he knows way before that Raja could not tolerate her. And Rita dancing with other men. Rita understand them see unsecretly and found out then Raja and decided to make a Kashmir with Simha. And she goes to a railway station that request Raja to take her with him. The movies end with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita, Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur, Chunni Lal Khanna and Shami as Sheet, Satila, Maridula and Mrs. Khanna, Rita mother baby and baby Farida as Munni, Jatin Khanna as Kishore, Tuntun as Mari, Aga as Amarnath, Bhalla as दर्जुन प्रज्ञा राज श्याम एंड श्याम कुमार जावेद
All Lyrics are written by Anand Bakshi. All music is composed by Kalyanji Anand ji. Afjo Kudaya Muhammad Rafi Raf ji. Ek tha Gul aur ek thi Bulbul Muhammad and Rafi Nanda. मैं तो चली हिंदुस्तान से लता मंगेशकर नाना करते प्यार तुम ही सीख कर बैठे मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना लता मंगेशकर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना हैप्पी मोहम्मद रफ़ी परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना सैड मोहम्मद रफ़ी यहाँ मैं अजनबी हूँ मोहम्मद रफ़ी ये शमा सुहानी है प्यार का लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजेश सुब्रमण्यम इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज आ संग ऑफ रिफिनिशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डेट नंदा वाज हिज फेवराइट हीरोइंस एज द है सिग्नेटेड डेट हिम डेट ही वाज द बिगस्ट स्टार एंड डायरेक्टर सूरज प्रकाश राइटर ब्रिज कटियन स्टार शशि कपूर एंड म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी एटियोमेटेड अप अगेन फॉर अनोदर्स फिल्म स्वीटहार्ट 1970 को स्टारिंग आशा पारिक इट वॉज नेवर रिलीज एवन दो आशा हैड सी डैट इट वॉज वेरी स्वीट फिल्म द रोल ऑफ नंदा स्वीटर वॉज प्लेड बाय जतिन खन्ना एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वॉज ट्रिनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रोड्यूस्ड इन क्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर जेपीसीपी हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट इट वन टोन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम इट वॉज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉन्ट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बेलोंजी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सिंपलीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटेटेड टिल नाउ इट इज टर्नेटेड आउट डेट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस और वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन और श्रीनगर ए एल्यूटमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम स्मृति विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मेड ए बिट प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक एंड हावेवर प्रोविड टू बी ए राइट वुड प्रेजेंट द अदर ए शूट स्टचिड एट द ब्रिंगलोन प्रकाश वॉन द बेट एंड प्रिस्टामेंटेड द सूट इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज लास्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म द क्लाइमैक्स वेहर राज पुल्स रीता इन टू द ट्रेन वाज सूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेटेटी instructions on how to when to pull Nanda into the train Kapoor followed those directions so well that they were only a few felt left to the platform and when he supplanted her in a Prakash climax the instantly was so here at a scening that has suit his eyes confirmed that Nanda's and had come the original climax from the script had Raja beating up it is the bad guys however Suraj Prakash rejected it is after a afternoon watching love in the afternoon 1957 in satellite with Rita traveling everything behind to come back of Kashmir in Raja the prepare of his role in Raja Shashi Kapoor would spend it did we say Boatman in Kashmir to study their lifestyle and
ही कोंडारे पिल्ला मॉरिशस एंड इसको स्टारे शशि कपूर वेरी ब्रिलियंट एंड दिस सॉन्ग नोज एक्सेप्टली मिट्टी हिस ब्रोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 4 दिसंबर वॉज एन इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ए बेस्ट अनाउंस फॉर हिज वीक इन हिंदी फिल्म ए रेसिपेंट इन द सर्वर एक्विलिटी इंक्लूज फोर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड टू फिल्म फेयर अवार्ड ही आल्सो फीचर्स इन ए नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल फिल्म पार्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूसर ए मर्चेंट लोरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्स विद हिम द पद्म भूषण इन 2011 एंड द दादा साहेब पालेकर अवार्ड इन 2014 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिनेमा हिज पोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1988 कोलकाता बेंगोल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया हिज डेथ 4 दिसंबर 2017 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया ऑक्यूपेशन सेक्टर प्रोड्यूसर वियर एक्ट 1941 and 1999 जेनिफर कपूर मैरिड 1958 एंड डेड 1984 चिल्ड्रंस कुणाल किरण एंड संजना पेरेंट्स पृथ्वीराज कपूर फादर एंड फैमिलीज कपूर एंड फैमिली होनर्स पद्म भूषण 2011 एंड दादा साहेब पालेकर एंड ब्रोन इंटू द कपूर फैमिली कपूर वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट सन ऑफ पृथ्वीराज कपूर ही बिगन हिज कैरियर एज ए चाइल्ड एक्टर इन द ब्रदर्स राज कपूर डायरेक्शंस आग 1948 एंड हैड इज द फर्स्ट रोल इज एन द एडल्ट इन राज चोपड़ा पॉलिटिशियंस ड्रामा धर्मपुत्र 1961 कपूर वॉज मैरिड टू इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल फ्रॉम 1958 टिल हर डेथ इन 1984 एंड डैड हैड थ्री चिल्ड्रंस कुणाल कपूर किरण कपूर एंड संजना कपूर ही डैट एज ऑफ 79 ड्यू टू एस्केपनेशंस प्लीमोनिया शशि कपूर वाज बोर्न ए बलबीर राज कपूर ए पृथ्वीराज कपूर एंड हिज वाइफ एंड कोलकाता ब्रिटिश इंडिया ऑफ 18 मार्च 1938 ही वाज ए यंगेस्ट ब्रदर ऑफ राज कपूर एंड शम्मी कपूर कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विद बेबी माधुरी मीना कुमारी सिस्टर चैंटे बेबी शकुंतला राइट एंड फिल्म बचपन कपूर एज ए पेंटिंग इन प्ले डायरेक्टेड वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर पृथ्वीराज कपूर वाहे ट्रेवलिंग विद पृथ्वीराज पृथ्वी थिएटर्स ही स्टारेड एक्टिंग इन फिल्म इन द डेब्यूटेड 4 स्टारेड एक्टिंग इन फिल्म एज ए चिल इन द लेट 1940 अंडर द नेम ऑफ शशि राज एज दियर वेज ऑलरेडी अनोदर एक्ट्रेस बाय द सेम नेम हु यूज इट फॉर एक्टिंग द मैंथोलॉजिकल फिल्म एज ए चिल आर्टिस्ट हिज बेस्ट नाउन परफॉर्मेंस एज ए चिल एक्ट्रेस वियर इन आग एंड अवारा where he played the younger versions of the characters played by the older brother Raj Kapoor and his Sangam where he played the younger versions of Ashok Kumar and Dana Pani where he acted by the Bharat Bhushan walked the 4 Hindi film as a chill artist from 1948 and 1954 Kapoor got a apparently and to work as an assistant director in the film Post Box 1999 as debut film the Sunil Dutta worked as the assistant directions of Devendra Dev the guest house which was followed by movies such as Dulla Dulhan and Shriman Satyavadi where Raj Kapoor was a lead heroes Shashi Kapoor made a debut as the leading man in the 1961 Vaad Dharmputra and he went on to the appear in 116 Hindi film Demonity in are very work patients very diplomated and 7 film he was the very popular actor in Bollywood during a 16 and 70 as in the union till the mid 18 as Kapoor early film Dharmputra Prem Patra the and Char Diwari where a Hindi which was successful commercially since 1964 started acting is an English language film
which is include the householder, the Shakespeare Villa. He was not the find first actor and go the international sector Nanda. And who was his Tamil city star at is the time signated 8 in the film with Kapoor as she believed that he could deliver good performances. Their first two film as a pair were the critically acclimated romantic film Char Diwari and Mehndi Lagi Mere Haath. In 1960, Kapoor acted in several romantic films opposite Nanda, including Mohabbat, Isko Kehte Hain, 1965, Jab Jab Phool Khile, and Neend Hamari, Khwab Tumhare Raja Sahab, and Rootha Na Karo. In a interviews in the 1990, Kapoor declared a... Hello guys, Swagat Hai Aapka, Mere Is YouTube Channel Pe. Aaj Main Aapke Liye Picture Leke Aayi Hoon, Jab Jab Phool Khile. जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा. गाइस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जब जब फूल खिले इज़ ए 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म. इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा. द स्टोरी इज ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट. द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिसेज. वाज नंबर 2 ए टॉप 10 ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिसेज इंडिया फॉर 1965. द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म. लाइसेंस बाय आनंद बख्शी. द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर टू डेज फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वॉज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज. शशि कपूर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा मार्को एंड लिबिया. इन ए शो माय मकरेश एवन डे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी. डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश. रिटन बाय ब्रिज काटियाल. प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के. स्टारिंग शशि कपूर नंदा आघा. सिनेमेटोग्राफी तारुदत्त. एडिटिंग बाय संतिला जोशी और सूरज प्रकाश. म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा. रिलीज डेट दिसंबर 1965. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बॉक्स ऑफिस 5.5 करोड़ एंड 312 करोड़ ऑफ यूएसए 14 मिलियंस इन 2020. रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर. चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे एलोंग विद हिज मेड शीतला सतीला. दे सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा. राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स एलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी. After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion. But Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her, but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearance and habit, and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be watching Raja dancing with others men.
ए लीड टू ए क्वेरल बिटवीन दैम दी राजा लीव्स ए हाउस सेइंग दैट सी कुड एडजस्ट टू हर कल्चर रीता फील्स बैड डैट राजा लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ए मैनर फाइव टाइम सी ओवरसीज हर फादर सेइंग दैट ही प्लॉटेड ओवर थिंग एंड सेपरेट हिम दैट ही नाउंस वे बिफोर दैट राजा कुड नॉट टॉलरेटेड एंड रीता डांसिंग विद अदर मैन रीता अंडरस्टैंड दैम सी अनसेक्रेटली एंड फाउंड आउट दैट राजा and decided to make a Kashmir with Simha and she goes to a railway station that request Raja to take her with him the movies and with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur and Chunni Lal Khanna and Shami as Sheeta एंड सतीला मरीदुला एंड मिसिस खन्ना रीता मदर बेबी एंड बेबी फरीदा एज मुन्नी जतिन खन्ना एज किशोर टुनटुन एज मारी अगा एज अमरनाथ भल्ला एज दर्जुन दर्जुन प्रज्ञा राज श्याम एज श्याम कुमार जावेद ऑल लाइसेंस आर रिटन बाय आनंद बख्शी ऑल म्यूजिक इज कंपोजिट बाय कल्याण जी आनंद जी अफजो खुदाया मोहम्मद रफ़ी रफजी एक था गुल और एक थी बुलबुल मोहम्मद एंड रफ़ी नंदा मैं तो चली हिंदुस्तान से लता मंगेशकर नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना लता मंगेशकर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना हैप्पी मोहम्मद रफ़ी परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना सैड मोहम्मद रफ़ी यहाँ मैं अजनबी हूँ मोहम्मद रफ़ी ये शमा सुहानी है प्यार का लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजेश सुब्रमण्यम इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज आर संग ऑफ रिफिनेशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड दैट नंदा वाज हिज फेवोराइट हीरोइंस ऐसा है सिग्नेटेड डैट हिम डैट ही वाज द बिगेस्ट स्टार एंड डायरेक्टर सूरज प्रकाश राइटर ब्रिज कटियान स्टार शशि कपूर एंड म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी एटियोमेटेड अप अगेन फॉर अनोदर्स फिल्म स्वीट हार्ट 1970 को स्टारिंग आशा पारिक इट वॉज नेवर रिलीज एवन दो आशा हैड सेड डैट ही वॉज वेरी स्वीट फिल्म द रोल ऑफ नंदा स्वेटर वाज प्लेड बाय जतिन खन्ना एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वाज टोनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रीडिश्यूड इन क्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर JPCP हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वाज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट इट वांट ऑन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम इट वाज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बेलोंजी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सिंपलीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटेटेड टिल नाउ इट इज थनेटेड आउट एट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस और वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन ओन श्रीनगर ए लिट्यूमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम्स स्मिथी विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मेड ए बिट प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक and however proved to be a right would present the other a shoot stitched at the bringilon prakash won the bet and prestamented the suit
इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज। लास्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म द क्लाइमैक्स वेयर राज पुल्स रीता इनटू द ट्रेन वाज शूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू वेन टू पुल नंदा इनटू द ट्रेन। कपूर फॉलोविड दोस डायरेक्शंस सो वेल डेट दे वर ओनली ए फ्यू फेल्ट लेफ्ट टू द प्लेटफॉर्म एंड वैन ही पोल्यूटेड हर इन ए प्रकाश क्लाइमैक्स द इस्टमेटली वा सो हेयर एडिजनिंग डेट है सूट हिज आईज कन्वर्मेटी डेट नंदा एंड हैड कोम द ओरिजिनल क्लाइमैक्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट हैड राजा बीटिंग अप इट इज द बैड गाइज। हावेवर सूरज प्रकाश रिजेक्टेड इट इज आफ्टर ए afternoon watching love in the afternoon 1957 in satellited with Rita traveling everything behind to come back of Kashmir in Raja the prepare of his role in Raja Shashi Kapoor would spend a deed with a boatman in Kashmir to study their lifestyle and he could the reclamations and his co-star Shashi Kapoor very brilliant एंड दी सोनोज एक्सेप्टली मिट्टी हिस ब्रोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 4 दिसंबर वॉज एन इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ए बेस्ट नाउन्स फॉर हिज वीक इन हिंदी फिल्म ए रेसिपेंट इन द सर्वर एक्लेडी इंक्लूज फोर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड टू फिल्म फेयर अवार्ड ही आल्सो फीचर्स इन ए नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल फिल्म पार्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूस ए मर्चेंट लोरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्स विद हिम द पद्म भूषण इन 2011 एंड द दादा साहेब पालेकर अवार्ड इन 2014 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिनेमा। हिज बोर्न बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1988 कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया। हिज डेथ 4 दिसंबर 2017 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। ऑक्यूपेशन सेक्टर प्रोड्यूसर वियर एक्ट 1941 and 1999। जेनिफर कपूर मैरिड 1958 एंड डेड 1984 चिल्ड्रंस कुणाल किरण एंड संजना। पेरेंट्स पृथ्वीराज कपूर फादर एंड फैमिलीज कपूर एंड फैमिली होनर्स पद्म भूषण 2011 एंड दादा साहेब पालेकर एंड ब्रोन इनटू द कपूर फैमिली। कपूर वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट सोन ऑफ पृथ्वीराज कपूर। ही बिगन हिज कैरियर एज ए चाइल्ड एक्टर इन द ब्रदर्स राज कपूर डायरेक्शंस आग 1948 एंड हैड इज द फर्स्ट रोल इज एंड द एडल्ट इन राज चोपड़ा पॉलिटिशियंस ड्रामा धर्मपुत्र 1961। कपूर वॉज मैरिड टू इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल फ्रॉम 1958 टिल हर डेथ इन 1984 एंड हैड थ्री चिल्ड्रंस कुणाल कपूर किरण कपूर एंड संजना कपूर। ही डेट एज ऑफ 79 ड्यू टू एस्केपनेशंस प्लीमोनिया। शशि कपूर वॉज बोर्न ए बलबीर राज कपूर ए पृथ्वीराज कपूर एंड हिज वाइफ एंड कोलकाता ब्रिटिश इंडिया ऑफ 18 मार्च 1938। ही वॉज ए यंगेस्ट ब्रदर ऑफ राज कपूर एंड शम्मी कपूर। कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विद बेबी माधुरी मीना कुमारी सिस्टर चैंटेन बेबी शकुंतला राइट एंड फिल्म बचपन। कपूर एज ए पेंटिंग इन प्ले डायरेक्टेड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर पृथ्वीराज कपूर। वाहे ट्रेवलिंग विद पृथ्वीराज पृथ्वी थिएटर्स। ही स्टारेड एक्ट इन हिज फिल्म इन द डेब्यूटेड फोर स्टारेड एक्ट इन फिल्म एज ए चिल्ड इन द लेट 1940 अंडर द नेम ऑफ शशि राज एज दियर वेज ऑलरेडी अनोदर एक्ट्रेस बाय द सेम नेम हु यूज इट फॉर एक्ट इज द मैंथोलॉजिकल फिल्म एज ए चिल्ड आर्टिस्ट। हिज बेस्ट नाउन परफॉर्मेंस एज ए चिल्ड एक्टर्स वेयर इन आग एंड अवारा वेयर ही प्लेड द यंगस्ट वेरिएशंस ऑफ द
characters played by the older brother Raj Kapoor and his Sangam, where he played the younger versions of Ashok Kumar and Danapani, where he acted by the Bharat Bhushan Walknit, the four Hindi film as a chill artist from 1948 and 1954. Kapoor got a appointmently and to work as an assistant director in the film Post Box 1999 as debut film. The Sunil Dutta worked as the assistant directions of Devendra Dev, the guest house, which was followed by movies such as Dulla Dulhan and Shriman Satyavadi, where Raj Kapoor was a lead hero. Shashi Kapoor made a debut as a leading man in the 1961 Vaad Dharmputra, and he went on to the appear in 116 Hindi film Immunity in Our Very Work Patients, Very Diplomated, and 7 film. He was the very popular actor as a Bollywood during a 16 and 70 as in the unit in the mid 18 as Kapoor early film Dharmputra, Prem Patra, the and Char Diwari, where a Hindi which was successful commercially since 1964, he started acting in an English language film which is include The Householder, the Sakshi Spear Valla. He was not the find first actor and go the international actor Nanda, and who was a star Melissa star at is the time signed 8 in the film with Kapoor, as he believed that he could deliver good performances. Their first two film as a pair, where is the critically acclimated romantic film Char Diwari and Mehndi Lagi Mere Haath. In 1960, Kapoor acted in several romantic film opposite Nanda, includes Mohabbat Isko Kehte Hain 1965, Jab Jab Phool Khile and Neend Hamari, Khwab Tumhare Raja Sahab and Rootha Na Karo. In a interviews in the 1990, Kapoor declared a Hello guys, swagat hai aapka mere is YouTube channel pe. Aaj main aapke liye picture leke aayi hu Jab Jab Phool Khile, jiske mukhya abhineta hai Shashi Kapoor and Nanda. Guys, sabse pehle aap mere is channel ko subscribe kare, like kare aur zyada se zyada share kare. Jab Jab Phool Khile is a 1965 Indian Hindi language romantic drama film. It stars Shashi Kapoor and Nanda. The story is a poor boy who is a boatman in Kashmir and fall in love with a rich tourist. The film becomes a blockbuster at the box offices, was number 2 a top 10 grossing film at box offices India for 1965. The song by music composing Dui and Kalyanji Ananda, estimated by the little known Lakshmikant Pyarelal, are highlights of the film license by Anand Bakshi. The film was screened by Algira and Cinema Halls over 2 days for the couple of year, and there was a fact public demand for it. Shashi Kapoor was one of the most successful Indian actors in North African countries such of Algeria, Morocco and Libya. In a show by Makresh even day, some of the oldest shopkeepers will give away discount of you. The from the lead of Shashi Kapoor in 1996 Hindi movies Raja Hindustani was impressed by this movie. Directed by Suraj Prakash, written by Briz Katyal, produced by Chetan K, starring Shashi Kapoor, Nanda Agha. Cinematography Tarudat, editing by Santila Joshi, Suraj Prakash. Music by Kalyani Ananda. Release date December 1965. Country India. Language Hindi. Box offices 5.5 crore and 312 crore of USC 14 million in 2020. Rita Khanna, only daughter and a heiress of Raj Bahadur. Chunnilal goes to Kashmir for a holiday along with his maid Sheetla Satela. There she rates off houseboat and becomes friendly with owners the that houseboat Raja. Raja Vaje and contact the romantic village guys who lives along with a younger sister Munni.
आफ्टर सम मिसअंडरस्टैंडिंग दी ग्रोज फ्रेंडली एंड राजा फॉल इन लव विद रीता बिफोर स्टार्टिंग बैक रीता प्रोमिसेस राधा राजा डेट सी वुड कम बैक द फॉलोइंग ईयर एट द होम एंड हर फादर वांट हर टू मैरी किशोर बट रीता कीप ऑन पोस्टपोनिंग हर डिसीजन एंड गोज टू कश्मीर फॉर फॉलोइंग ईयर ए प्रोमोशन बट किशोर कम्स अलोंग विद हर एंड कजिन राजा एंड ट्रूबलंग फाइनली राजा प्रोफेसेस हिज लव एंड आस्क हर टू मैरी हिम एंड सी चूजिंग राजा ओवर किशोर एंड ब्रिंगिंग हिम टू हर डैड राजा बहादुर डज नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू मैरी राजा एंड ट्राइज टू रीजन विद हर बट फॉल्स एट लॉस्ट इन टेल्स हिज डॉटर डैट राजा वॉज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कैन नॉट एडजस्ट टू देयर वे एंड रीता आस्क राजा टू चेंज हिज अपरेंसेस एंड हैबिट एंड राजा एग्रीज आफ्टर ए मेकओवर राजा बहादुर थ्रोज ए पार्टी ऑफ इंट्रोड्यूस राजा टू एवरी वन दे राजा कैन नॉट बी विद वॉचिंग राजा डांसिंग विद अदर्स मैन ए लीड टू ए क्वेरल बिटवीन दैम दे राजा लिवस ए हाउस सेइंग दैट सी कुड एडजस्ट टू हर कल्चर रीता फील्स बैड डैट राजा लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ए मैनर फाइव टाइम्स सी ओवरसीज हर फादर सेइंग दैट ही प्लॉटेड ओवरथिंग एंड सेपरेट हिम डैट ही नाउंस वे बिफोर डैट राजा कुड नॉट टॉलरेटेड एंड रीता डांसिंग विद अदर मैन रीता अंडरस्टैंड डैम सी अनसेक्रेटली एंड फोट आउट देन राजा and decided to make a Kashmir with Simha and she goes to a railway station that request Raja to take her with him the movies and with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur and Chunni Lal Khanna and Shami as Sheet एंड सतीला मरीदुला एंड मिसिस खन्ना रीता मदर बेबी एंड बेबी फरीदा एज मुन्नी जतिन खन्ना एज किशोर टुनटुन एज मारी अगा एज अमरनाथ भल्ला एज दर्जुन दर्जुन प्रज्ञा राज श्याम एज श्याम कुमार जावेद ऑल लाइसेंस आर रिटन बाय आनंद बख्शी ऑल म्यूजिक इज कंपोजिट बाय कल्याण जी आनंद जी अफजो कुदाया मोहम्मद रफ़ी रफ जी एक था गुल और एक थी बुलबुल मोहम्मद एंड रफ़ी नंदा मैं तो चली हिंदुस्तान से लता मंगेशकर नाना करते प्यार तुम ही सिकर बैठे मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना लता मंगेशकर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना हैप्पी मोहम्मद रफ़ी परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना सैड मोहम्मद रफ़ी यहाँ मैं अजनबी हूँ मोहम्मद रफ़ी ये शमा सुहानी है प्यार का लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजी सुब्रमण्यन इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज आ संग ऑफ रिफिनेशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डैट नंदा वाज हिज favorite heroines as the has signified that him that he was the biggest star and director Suraj Prakash writer Briz Kattiyon star Shashi Kapoor and music composer Kalyan ji Anand ji and teamed up again for another film Sweetheart 1970 co-starring Asha Parikh it was never released even though Asha had said that it was very sweet film द रोल ऑफ नंदा स्वेटर वाज प्लेड बाय जतिन खन्ना एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वाज ट्रिनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रीडिश्यूड इनक्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर जेपीसीपी हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट इट वॉन्ट ऑन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम इट वॉज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल
एंड एज राजा शशि कपूर वॉट इज पिंड दिस विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन एंड जूबली सेलिब्रेशन सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बेलोन्जी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सैप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नो फिटिटी टिल नाउ इट इज थंडेड आउट डेट ऑल द बोथमैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस और वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन और श्रीनगर ए एल्यूटमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम स्मृति विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मे डेबिट प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक and however proved to be a right would present the other a shoot stitched at the Bringalone Prakash won the bet and prestamented the suit in Kapoor however is proved to be wrong as the film run of 15 weeks the celebrated 86 golden jubilees Lastic Anand Bakshi a career took off after This film, The Climax, where Raj pulls Rita into the train was shot in Bombay Central train station and Suraj Prakash gave explicative instructions on how to when to pull Nanda into the train. Kapoor followed those directions so well that they were only a few felt left to the platform and when he supplanted her in a Prakash climax, the Estimately was so here at his inning that has suit his eyes confirmed that Nanda's and had come the original climax from the script had Raja beating up it is the bad guys however Suraj Prakash rejected it is after a afternoon watching love in the afternoon 1957 in Satellited with Rita traveling everything behind to come back of Kashmir in Raja. The prepare of his role in Raja Shashi Kapoor would spend a deed with a boatman in Kashmir to study their lifestyle and he could the reclamations and his co-star Shashi Kapoor very brilliant and this one was exactly meet his Brown Balbir Raj Kapoor 18 March 1938 4 December was an Indian actor and film producer who is a best known for his work in Hindi film A recipient in the Sarvar accolade includes 4 National Film Award and 2 Filmfare Award he also features in a number of English language international film particularly film produced A Merchant Glory the Government of India honors with him the Padma Bhushan in 2011 and the Dada Saheb Palekar Award in 2014 of the contributions of Indian cinema. His born Balbir Raj Kapoor, 18 March 1988, Kolkata, Bengal Presidency, British India, Kolkata, West Bengal, India. His death 4 December 2017, age 79, Mumbai. Maharashtra, India, occupation sector, producer, Veer Act in 1941 and 1999. Spouses, Jennifer Kapoor, married 1958 and dead 1984. Children, Kunal, Kiran and Sanjana. Parents, Prithvi Raj Kapoor, father and families, Kapoor and family, honors, Padma Bhushan 2011 and Dada Saheb Palekar. And born into the Kapoor family, Kapoor was the third and youngest son of Prithvi Raj Kapoor. He began his career as a child actor in the Brothers Raj Kapoor directions Aag 1948 and had is the first role is and the adult in Raj Chopra politicians drama Dharmputra 1961. Kapoor was married to English actress. Jennifer Kendall from 1958 till her death in 1984 and
had three children. Kunal Kapoor, Kiran Kapoor and Sanjana Kapoor. He died at the age of 79 due to asbestos pneumonia. Shashi Kapoor was born a Balbir Raj Kapoor, a Prithvi Raj Kapoor and his wife and Kolkata British India of 18 March 1938. He was the youngest brother of Raj Kapoor and Shammi Kapoor. Kapoor is a child artist with Baby Madhuri, Meena Kumari, Sister Chante, Baby Shakuntra Wright and film Bachpan. Kapoor is a painting in play. Directed was produced by his father Prithvi Raj Kapoor while traveling with Prithvi Raj Prithvi Theatres. He started in acting his film in the debuted four started acting in film as a child in the late 1940 under the name of Shashi Raj as there was already another actress by the same name who used it for acting the mythological film as a child artist. His best known performance as a child actress were in Aag and Awara, where he played the youngest versions of the characters played by the older brother Raj Kapoor, and in Sangam, where he played the younger versions of Ashok Kumar and Dana Pani, where he acted by the Bharat Bhushan walked the four Hindi film as a child artist from 1948 and 1954. Kapoor got a appointment and to work as an assistant director in the film Post Box 1999 as debut film. The Sunil Dutta worked as the assistant directions of Devendra Dev, the guest house which was followed by movies such as Dulla Dulhan and Shriman Satyavadi, where Raj Kapoor was a lead hero. Shashi Kapoor made a debut as a leading man in the 1961 Vaad Dharmputra, and he went on to the appear in 116 Hindi film debutee in our very work patients, very diplomated and seven film. He was the very popular actor in Bollywood during a 16 and 70 as in the union till the mid 18 as Kapoor early film Dharmputra, Prem Patra the and Char Diwari very Hindi which was successful commercially since 1964. He started acting in an English language film which is include the Householder, the Sakshi Spear Valla. He was not the find first actor and go the international actor Nanda, and who was established as a star at is the time signed 8 in the film with Kapoor as C. believed that he could deliver good performances. Their first two film as a pair were the critically acclimated romantic film Char Diwari and Mehndi Lagi Mere Haath. In 1960, Kapoor acted in several romantic films opposite Nanda, includes Mohabbat, Isko Kehte Hain 1965, Jab Jab Phool Khile and Neend Hamari, Khwab Tumhare Raja Sahab and Roota Na Karo. In a interviews in the 1990, Kapoor declared a Hello guys, swagat hai aapka mere YouTube channel pe. Aaj main aapke liye picture leke aayi hoon Jab Jab Phool Khile, जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा. गाइस सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जब जब फूल खिले इज़ 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म. इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा. द स्टोरी इज़ ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट. द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिसेज, वाज नंबर टू ए टॉप टेन ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिसेज इंडिया फॉर 1965. द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याण जी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म. लाइसेंस बाय आनंद बख्शी. द फिल्म वाज स्क्रीन्ड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर टू डेज फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वॉज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज. शशि कपूर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा मार्को एंड लिबिया. इन ए शो माई
Makresh, even day some of the olders shopkeepers will give away discount of you the from the lead of Shashi Kapoor in 1996 Hindi movies Raja Hindustani was impressioned by this movie. Directed by Suraj Prakash, written by Brij Katyal, produced by Chetan K, starring Shashi Kapoor, Nanda Agha, cinematography Tarudan, editing by Santila Joshi, Suraj Prakash, music by Kalyani Ananda. Release date December 1965, country India, language Hindi, box office is 5.5 crore and 312 crore of USC, 14 million in 2020. Rita Khanna, only daughter and a heiress of Raj Bahadur. Chunnilal goes to Kashmir for a holiday along with his maid Sheetla Satela. They see rates of houseboat and becomes friendly with owners the debt houseboat Raja. Raja was a and contact the romantic release guys who lives alone with a younger sister Munni. After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion. But Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her, but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearances and habit, and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be with watching Raja dancing with others men. A lead to a quarrel between them. The Raja leaves a house saying that she could adjust to her culture. Rita feels bad that Raja left just because of a minor fight, and she oversees her father saying that he planned overthink and separate him, that he knows way before that Raja could not tolerate and Rita dancing with other men. Rita understand MC unsecretly and found out then Raja and decided to make a Kashmir with Simha, and she goes to a railway station that request Raja to take her with him. The movies end with Raja pulling Rita into a moving train and both embracing happily. Shashi Kapoor is Raja, Rajkumar Nanda as Rita, Nanda Khanna, Kamal Kapoor is Raja Bahadur, Chunni Lal Khanna and Shami as Sheet, and Satela, Maridula and Mrs. Khanna, Rita mother baby and baby Farida as Munni, Jatin Khanna as Kishore, Tuntun as Mari, Aga as Amarnath, Bhalla as Darzun, Pragya Raj, Shyam and Shyam Kumar Javed. All lines are written by Anand Bakshi. All music is composed by Kalyanji Anand Ji. Afjo Kudaya Muhammad Rafi Rafji. Ek Tha Gul aur Ek Thi Bulbul Muhammad and Rafi Nanda. Main to chali Hindustan se Lata Mangeshkar. Nana karte pyar tum hi se kar baithe Mohammad Rafi and Suman Kalyanpur. Pardesiyon se na akhiya milana Lata Mangeshkar. Pardesiyon se na akhiya milana happy Mohammad Rafi. Pardesiyon se na akhiya milana sad Mohammad Rafi. Yahan main ajnabi hu Mohammad Rafi. Ye shama suhani hai pyar ka Lata Mangeshkar Mohammad Rafi
एनटीविया अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजी सुब्रमण्यम इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज आ संग ऑफ रिफिनिशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डेट नंदा वाज हिज फेवराइट हीरोइंस एज द है सिग्नेटेड डेट हिम डेट ही वाज द बिगर्स स्टार एंड डायरेक्टर सूरज प्रकाश राइटर ब्रिज कटियन स्टार शशि कपूर एंड म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी एटोमेटेड अप अगेन फॉर अनोदर्स फिल्म स्वीटहार्ट 1970 को स्टारिंग आशा पारिक इट वॉज नेवर रिलीज एवन दो आशा हैड सी डैट इट वॉज वेरी स्वीट फिल्म द रोल ऑफ नंदा स्वीटर वॉज प्लेड बाय जतिन खन्ना एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वॉज टोनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रोड्यूस्ड इनक्लूजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर JPCP हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट इट वन टोन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम इट वॉज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बेलोंजी 280s हैड नेवर बिहाइंड एंड सिंप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटिटी टिल नाउ इट इज टर्नेटेड आउट एट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस आर वेरी बिग वाहिल टू लोकेशन और श्रीनगर ए लिट्यूमेंट कैलिवंस फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम्स स्मृति विद नंदा एंड आस्क सूरज प्रकाश टू फॉरवर्ड ए मैरिज प्रोपोजल टू हर मदर नथिंग केम ऑफ द हावेवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश एंड एक्टर शशि कपूर मेड ए बिट प्रकाश सेड हिम डैट द फिल्म वुड रन्स फॉर 25 वीक एंड कपूर 8 वीक एंड हावेवर प्रोविड टू बी ए राइट वुड प्रेजेंट द अदर ए शूट स्टचिड एट द ब्रिंगलोन प्रकाश वॉन द बेट एंड प्रिस्टामेंटेड द सूट इन कपूर हावेवर इज प्रोविड टू बी रोंग एज द फिल्म रन ऑफ 15 वीक्स द सेलिब्रेटेड 86 गोल्डन जुबलीज लाइस्टिक आनंद बख्शी ए कैरियर टू कोफ आफ्टर दिस फिल्म द क्लाइमैक्स वेहर राज पुल्स रीता इन टू द ट्रेन वाज सूट इन बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन स्टेशन सूरज प्रकाश गिव एक्सप्लेटेटी instructions on how to when to pull Nanda into the train Kapoor followed those directions so well that they were only a few felt left to the platform and when he supplanted her in a Prakash climax the ultimately was so here at a scene that has suit his eyes confirmed that Nanda's एंड हैड कोम द ओरिजिनल क्लाइमैक्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट हैड राजा बीटिंग अप इट इज द बैड गाइज हाउएवर सूरज प्रकाश रिजेक्टेड इट इज आफ्टर ए आफ्टरनून वॉच लव इन द आफ्टरनून 1957 इन सैटेलाइटेड विद रीता ट्रेवलिंग एवरीथिंग बिहाइंड टू कम बैक ऑफ कश्मीर इन राजा द प्रिपेयर ऑफ हिज रोल इन राजा शशि कपूर वुड स्पेनिटी डीड वी से बोटमैन ए कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल एंड ही कौन द रिपिलेशंस एंड हिज को स्टार ए शशि कपूर वेरी ब्रिलियंट एंड दिस ओनोज एक्सेप्टली मिट्टी हिस ब्रोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1938 4 दिसंबर वॉज एन इंडियन एक्टर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ए बेस्ट अनाउंस फॉर हिज वीक इन हिंदी फिल्म ए रेसिपेंट इन द सर्वर एक्विलिटी इंक्लूज फोर नेशनल फिल्म अवार्ड एंड टू फिल्म फेयर अवार्ड ही आल्सो फीचर्स इन ए नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल फिल्म पार्टिकुलर फिल्म प्रोड्यूस्ड ए मर्चेंट लोरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनर्स विद हिम द पद्म भूषण इन 2011 एंड द दादा साहेब
पालेकर अवार्ड इन 2014 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिनेमा। हिज बोन बलबीर राज कपूर 18 मार्च 1988 कोलकाता बेंगोल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया। हिज डेट 4 December 2017 मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। ऑक्यूपेशन सेक्टर प्रोड्यूसर वियर एक्ट 1941 and 1999। जेनिफर कपूर मैरिड 1958 एंड डेड 1984। चिल्ड्रंस कुणाल किरण एंड संजना। पेरेंट्स पृथ्वीराज कपूर। फादर एंड फैमिलीज कपूर एंड फैमिली होनर्स पद्म भूषण 2011 एंड दादा साहेब पालेकर एंड ब्रोन इंटू द कपूर फैमिली। कपूर वाज द थर्ड एंड यंगेस्ट सोन ऑफ पृथ्वीराज कपूर। ही बिगन His career as a child actor in the Brothers Raj Kapoor directions Aag 1948 and had is the first role is and the adult in Raj Chopra politician's drama Dharmputra 1961. Kapoor was married to English actress Jennifer Kendall from 1958 till her death in 1984 and डैड हैड थ्री चिल्ड्रंस कुणाल कपूर किरण कपूर एंड संजना कपूर। ही डैड एट एज ऑफ 79 ड्यू टू एस्केपनेशंस प्लीमोनिया। शशि कपूर वाज बोर्न ए बलबीर राज कपूर ए पृथ्वीराज कपूर एंड हिज वाइफ एंड कोलकाता ब्रिटिश इंडिया ऑफ 18 मार्च 1938। ही वाज ए यंगेस्ट ब्रदर ऑफ राज कपूर एंड शम्मी कपूर। कपूर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट विद बेबी माधुरी मीना कुमारी सिस्टर चैंटेन बेबी शकुंतला राइट एंड फिल्म बचपन। कपूर एज ए पेंटिंग इन प्ले डायरेक्टेड वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर पृथ्वीराज कपूर। वाहे ट्रैवलिंग विद पृथ्वीराज पृथ्वी थिएटर्स। ही स्टारेड इन एक्टिंग इन फिल्म इन द डेब्यूटेड फोर स्टारेड एक्टिंग इन फिल्म एज ए चिल्ड इन द लेट 1940 अंडर द नेम ऑफ शशि राज एज दियर वेज ऑलरेडी अनोदर एक्ट्रेस बाय द सेम नेम हु यूज इट फॉर एक्ट इज द मैंथोलॉजिकल फिल्म एज ए चिल आर्टिस्ट। हिज बेस्ट नाउन परफॉर्मेंस एज ए चिल एक्ट्रेस वेयर इन आग एंड अवारा वेयर ही प्लेड द यंगर्स वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेड बाई द ओल्डर ब्रदर राज कपूर एंड इज संगम वेयर ही प्लेड द यंगर वेरिएशन ऑफ अशोक कुमार एंड दाना पानी वेयर ही एक्टेड बाय द भारत भूषण वॉकनेट द फोर हिंदी फिल्म एज ए चिल आर्टिस्ट फ्रॉम 1948 and 1954। कपूर गोटे अपोलोमेंटली एंड टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द फिल्म पोस्ट बॉक्स 1999 एज डिबूट फिल्म द सुनील दत्त वर्किड एज ए असिस्टेंट डायरेक्शन ऑफ देवेंद्र देव द गेस्ट हाउस विच वॉज फॉलोविड बाई मूवीज सच एंड दुल्हा दुल्हन एंड श्रीमान सत्यवादी। वीर राज कपूर वॉज ए लीड हीरोज। शशि कपूर मेड ए डिबूट एज ए लीडिंग मैन इन द 1961 बाद धर्मपुत्र and he went on to the appear in 116 Hindi film Demonity in are very work patients very diplomated and 7 film he was the very popular actor as a Bollywood during a 16 and 70 as in the you know till the mid 18 as Kapoor early film Dharmputra Prem Patra the and Char Diwari very Hindi which was successful commercially since 1964 is done acting is an English language film which is include the householder the Sakshi Spear Valla. He was not the find first actor and go the international sector Nanda and who was a established star at is the time signed 8 in the film with Kapoor as he believed that he could deliver good performances their first टू फिल्म एज ए पेयर वेर इज द क्रिटिकली एक्लिमेटेड रोमांटिक फिल्म चार दीवारी एंड मेहंदी लगी मेरे हाथ। इन 1960 कपूर एक्टेड इन सर्वल रोमांटिक फिल्म अपोजिट नंदा इनक्लूज मोहब्बत इसको कहते हैं 1965 जब जब फूल खिले एंड नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे राजा साहब एंड
रूठा ना करो। इन ए इंटरव्यूज इन द 1990 कपूर डिक्लेयर्ड ए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए पिक्चर लेके आई हूँ जब जब फूल खिले, जिसके मुख्य अभिनेता हैं शशि कपूर एंड नंदा। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब जब फूल खिले इज़ ए 1965 इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इट स्टार्स शशि कपूर एंड नंदा। द स्टोरी इज ए पुअर बॉय हु इज ए बोथ मैन इन कश्मीर एंड फॉल इन लव विद ए रिच टूरिस्ट। द फिल्म बिकम इज ए ब्लैकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस वाज नंबर 2 ए टॉप 10 ग्रोसिंग फिल्म एट बॉक्स ऑफिस इंडिया फॉर 1965। द सॉन्ग बाय म्यूजिक कंपोजिंग दुई एंड कल्याणजी आनंदा एस्टिमेटेड बाय द लिटिल नाउ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म लाइसिस बाय आनंद बख्शी। द फिल्म वाज स्क्रीनड बाय अलगीरा एंड सिनेमा हॉल्स एवर 2 days फॉर द कपल ऑफ ईयर एंड दे वाज ए फैक्ट पब्लिक डिमांड फॉर इट इज। शशि कपूर वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्टर्स इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज सच ऑफ अलगीरा मार्को एंड लिबिया। इन ए शो बाय मकरेश एवन डे सम ऑफ द ओल्डर्स शॉपकीपर्स विल गिव अवे डिस्काउंट ऑफ यू द फ्रॉम द लीड ऑफ शशि कपूर इन 1996 हिंदी मूवीज राजा हिंदुस्तानी वाज इम्प्रेशन बाय दिस मूवी। डायरेक्टेड बाय सूरज प्रकाश, रिटन बाय ब्रिज काटियाल, प्रोड्यूस्ड बाय चेतन के, स्टारिंग शशि कपूर नंदा आघा, सिनेमेटोग्राफी तारुदत्त, एडिटिंग बाय संतिला जोशी और सूरज प्रकाश, म्यूजिक बाय कल्याणी आनंदा। रिलीज डेट दिसंबर 1965। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बॉक्स ऑफिस 5.5 crore एंड 312 crore ऑफ USA 14 million इन 2020। रीता खन्ना ओनली डॉटर एंड ए हैरियस ऑफ राज बहादुर। चुन्नीलाल गोज टू कश्मीर फॉर ए हॉलीडे अलोंग विद हिज मेड शीतला सतेला। दे सी रेटेस ऑफ हाउस बोट एंड बिकम्स फ्रेंडली विद ओनर्स द डेट हाउस बोट राजा। राजा वाज ए एनकोडेट द रोमांटिक विलेज गाइस हु लिव्स अलोंग विद ए यंगर सिस्टर मुन्नी। After some misunderstanding, they grows friendly and Raja fall in love with Rita. Before starting back, Rita promises Radha Raja that she would come back the following year at the home, and her father want her to marry Kishore. But Rita keep on postponing her decision and goes to Kashmir for following year a promotion. But Kishore comes along with her and causing Raja and troubling. Finally, Raja professes his love and asks her to marry him, and she chooses Raja over Kishore and bringing him to her dad. Raja Bahadur does not want his daughter to marry Raja and tries to reason with her, but falls at last and tells his daughter that Raja was of a completely different background and cannot adjust to their way. And Rita asks Raja to change his appearance and habit, and Raja agrees. After a makeover, Raja Bahadur throws a party of introduce Raja to everyone. They Raja cannot be with watching Raja dancing with others men. A lead to a quarrel between them. The Raja leaves a house saying that she could adjust to her culture. Rita feels bad that Raja left just because of a manner. 5 times she oversees her father saying that he planned overthink and separate him, that he knows way before that Raja could not tolerate her, and Rita dancing with other men. Rita understand them, see unsecretly and found out then Raja and decided to make a Kashmir with Simha, and she goes to a railway station that request Raja to take her with him.
द मूवीज एंड विद राजा प्यूलिंग रीता इंटू ए मूविंग टीन एंड बोथ एम्ब्रेसिंग हैप्पीली। शशि कपूर इज राजा, राजकुमार नंदा एज रीता, नंदा खन्ना, कमल कपूर इज राजा बहादुर एंड चुन्नी लाल खन्ना एंड शामी एज शीत ए सतीला, मरीदुला एंड मिसिस खन्ना, रीता मदर बेबी एंड बेबी, फरीदा एज मुन्नी, जतिन खन्ना एज किशोर, टुनटुन एज मारी, अगा एज अमरनाथ, भल्ला एज दर्जुन दर्जुन, प्रज्ञा राज, श्याम एज श्याम कुमार जावेद। ऑल लाइसेंस आर रिटन बाय आनंद बख्शी। ऑल म्यूजिक इज कंपोजिड बाय कल्याण जी आनंद जी। अफजो खुदाया मोहम्मद रफ़ी रफ जी। एक था गुल और एक थी बुलबुल, मोहम्मद एंड रफ़ी नंदा। मैं तो चली हिंदुस्तान से, लता मंगेशकर। नाना करते प्यार तुम्हें सिखकर बैठे, मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, लता मंगेशकर। परदेसियों से ना अखियां मिलाना हैप्पी, मोहम्मद रफ़ी। परदेसियों से ना अखियां मिलाना सैड, मोहम्मद रफ़ी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मोहम्मद रफ़ी। ये शमा सुहानी है प्यार का, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। एंड टी वी आर अकॉर्डिंग टू फिल द म्यूजिक एक्सपर्ट राजेश सुब्रमण्यम। इट वाज राइटर एक्टर प्रज्ञा राज। आ संग ऑफ रिफिनिशर अफोजो खुदा इन द सॉन्ग एंड शशि कपूर ऑलवेज सेड डेट नंदा वाज हिज फेवराइट हीरोइंस एज द है सिग्नेटेड डेट हिम डेट ही वाज द बिगेस्ट स्टार एंड डायरेक्टर सूरज प्रकाश। राइटर ब्रिज कटियान स्टार शशि कपूर एंड म्यूजिक कंपोजर कल्याण जी आनंद जी। एटियोमेटेड अप अगेन फोर अनोदर्स फिल्म स्वीटहार्ट 1970 को स्टारिंग आशा पारिक। इट वॉज नेवर रिलीज एवन दो आशा हैड से डैट इट वॉज वेरी स्वीट फिल्म। द रोल ऑफ नंदा स्वीटर वॉज प्लेड बाय जतिन खन्ना। एक्टर राजेश खन्ना हैड टू लेट अ चेंज हिज नेम ऑफ अवॉइड कन्फ्यूजन विद हर दिस एक्ट्रेस। ब्रिज कत्यानी द स्क्रिप्ट वॉज टोनिटी टाउन बाय थ्री स्टॉप प्रोड्यूस्ड इन क्लोजिंग स्लोली 1975 क्रिएचर JPCP। हाउएवर डायरेक्टर सूरज प्रकाश फेल्ट इट वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी एंड एक्सेप्टेड इट। इट वन टोन द बिकम्स हिज ग्रेटेस्ट हिम। इट वॉज हिज फर्स्ट कलर्स फिल्म टू प्रिपेयर फॉर हिज रोल एंड एज राजा शशि कपूर वॉन्ट स्पेंड डेज विद द बोथ मैन इन कश्मीर टू स्टडी देयर लाइफ स्टाइल। समटाइम्स द वुड हैव एंड मीन्स विद दैम एट द फिल गोल्डन्स एंड जूबली सेलिब्रेशन। सूरज प्रकाश आस्किड ब्रिज कत्याली विद एरिलीजेंस एंड राज बैलोंजी टू इट इज हैड नेवर बिहाइंड एंड सैप्लीफाइड एंड नो वन हैड द नोफिटेटेड टिल नाउ। इट इज टर्नेटेड आउट एट ऑल द बोथ मैन इन श्रीनगर वेहर मुस्लिम्स। दिस राइटर ऑफ सस्पेंसिस आर वेरी बिग वाहिल टू लुक।